आज हमारा मशीन बिगड़ गया और मैं सोचा कि आज इस पर वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। ये 5 साल मेरा ये मशीन का हुआ, कभी भी ख़राब हुआ तो मैं खुद से रिपेयरिंग इसका किया हूँ। ये देखिए हमारा बॉबिन है। अब हुआ क्या था कि मैंने घट कपड़े पे सिलाई मारा तो सुई टूट गई। उसके बाद है ना दूसरे सुई लगाए तो हमारा ये टांका नहीं पकड़ रहा है, ये देख सकते हैं। और सिलाई मार के भी देखते हैं, ये हमारा टांका नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल नहीं पकड़ रहा। इसका ऐसा लग रहा है कि सेटल घूम गया है, तो हम इसको क्या करेंगे। ये मेरा मशीन कभी बिगड़ता नहीं था, वो जींस का काम कर रहा था, इसके वजह से सुई टूट गई। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हम इसको खोल देंगे ऊपर का प्लेट को। ये मशीन जल्दी ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा ख़राब होती है छोटी मशीन रहती है वो ख़राब जल्दी हो जाती है, बड़ी मशीन नहीं ख़राब होती है। उसका दाब भी निकाल लेंगे। देख सकते हैं ये हमारा शेटर हुआ, सेटल शायद घूम गई है। ये देख सकते हैं हमारा शटर घूम गई है, ये बराबर सुई के पास नहीं जा रही है, सुई से आउट है। ये जो स्क्रूप है ये सुई यहाँ पे आना था, ये सुई यहाँ पे आए तो हमारा टांका पकड़ लेता। अब इसको इसमें एक और ख़राबी था कि धागा भी कट होती थी, तो आज इसको हम सर्विसिंग कर लेते हैं, इसका पूरा फुल सर्विसिंग कर लेते हैं। सिर्फ शटल का सर्विसिंग करते हैं कि कहाँ पे ख़राबी है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले मशीन को शटल को खोल लेता हूँ। मैं ये ढीला कर लिया, अब ये गोल नच रही है शटल। मैं सबसे पहले बॉबिन निकाल लेता हूँ, ये हमारा बॉबिन। ऐसे मशीन को हम ऊपर कर लेंगे पहले। सीधा पकड़ो ना, ये हमारा शेडल है, इसमें कुछ धागा भी फंसा हुआ है, तो पहले हम इसको खोल के निकाल लेंगे। तो खोलने के लिए सबसे पहले ये स्क्रू को खोलेंगे। अभी हम ये खोल लिए हैं।
अब हम ये शटर निकाल लेंगे। इसमें एक थोड़ा धार आ जाती है तो धागा कटती है, या ये पॉइंट में भी धार रहती है ना तो धागा कटती है, ये पॉइंट में भी धार रहती है तो धागा कटती है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा हम घिसेंगे, ये साइड में थोड़ा धार रहती है, थोड़ा सा धार है हाथ को लग रही है, तो हम इसको घिस के साफ कर लेंगे। पहले हम यहाँ से कचरा निकाल लेंगे। ये जो धागा फंसी हुई, धागा फंसने की वजह से मशीन हमारा बहुत भारी चलता है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा धागा है, इतना कचरा है। इसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। ये पेपर हम लेंगे, ये पेपर से घिसेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ी धार है, पहले इसको सीधा घिस लेंगे। फिर इसको ऐसे घिस लेंगे हल्का, इसमें जो भी धार है ख़त्म हो जाए। इसमें धार रहेगी तो क्या है, सिलाई तेज़ी मारेंगे तो सिलाई कचरा देगी, हल्लू हल्लू चलाएंगे तो सिलाई बहुत अच्छी देगी, और जहाँ मशीन को रफ्तार किए तो उससे क्या है, आपका नीचे का सिलाई बिगड़ जाएगी, नीचे का सिलाई में लुक छोड़ेगी ज़्यादा। तो चारों तरफ से बिल्कुल घिस लीजिए, कहीं पे भी धार ना रहे इसमें। अगर कहीं पे भी धार रहेगा, कहीं पे भी इसमें धार रहेगा तो आपका धागा कट करेगी और धागा अच्छा नहीं देगी। तो हम इसको घिस लिए, इसका धार बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हल्का धार है ये धार को हल्का घिसेंगे, ज़्यादा घिसेंगे तो हमारा टाँका कभी भी नहीं पकड़ेगा, ये ख़राब हो जाएगी। हल्का हल्लू हल्लू हाथ से घिसेंगे, ये साइड ये कोने से खींचेंगे, ऐसे लेंगे। हल्का है धार, नीचे के हिस्सा में हल्का घिसेंगे। ये हमारा घिस लिया, धार ख़त्म हो गई साइड से। ये धार रहने की वजह से धागा नीचे से कट जाती है, नीचे से भी कटती है ऊपर से भी कटती है। अब यहाँ घिसेंगे, ये साइड में धार ज़्यादा रहती है, यहाँ पे अच्छा से घिस लेंगे चारों तरफ से, ऐसे कहीं पे भी धार ना रहे यहाँ पे। हम इतना ही काम के लिए अगर मिस्त्री के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा, ये ख़राब हो गई है, इसको डायरेक्ट बोलेगा चेंज करने के लिए डायरेक्ट। और इसका दाम 1300 रुपये पड़ता है ओरिजिनल का, और डुप्लीकेट लेंगे जापानी सेटल लेंगे तो 1300 रुपये पड़ती है, और डुप्लीकेट लेंगे तो 800-350 भी पड़ती है, लेकिन उसका सर्विस अच्छा नहीं रहता है। ये भी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैं इसको सेट करके चला रहा हूँ। इसको हम घिस लिए अच्छा से, ये हॉल में भी आप साफ कर लीजिएगा कि कहीं पे भी धार ना रहे। धार रहे तो क्या है, धागा साफ नहीं आएगा। देखिए इसको नचा के देख लेंगे, कहीं तो रुक तो नहीं ना रहा है। अब इसको हम फिट कर लेंगे इसमें।
हम इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो घाट है, एक ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट ये घाट में ऐसे फंसा लेंगे। फंस गए, आप थोड़ा करीब से देख लीजिए, ये जो घाट है ये घाट में फंसना चाहिए। हम इसको ऊपर करके इसमें बोल्ट लगा लेंगे। अब इसको हम टाइट कर लेंगे। थोड़ा इसको ऊपर कर लेंगे। इसको टाइट कर लिया, अभी इसको नचा के देखेंगे। ये अंदर का हिस्सा नहीं नाचना, अगर अंदर का हिस्सा नाच गया तो समझ लीजिए घाट में फंसा नहीं है। देखिए ये हिस्सा नाच रहा है, अंदर का हिस्सा रुका हुआ है, क्योंकि अंदर का हिस्सा रुका रहता है, ये हिस्सा नाचता है तो धागा ऊपर फेंकती है। चलिए एक सुई थोड़ा नीचे करके देखते हैं। सुई देख सकते हैं, ये हमारा सुई है, हिलाता कि नहीं, हिलाओ नहीं, 20 सेंटर में आ रही है हमारा सुई। देख सकते हैं 20 सेंटर में आ रही है। अब इसको हम पहले मशीन को पलटी मार लेंगे, सीधा कर लेंगे, सही तरीका से कर लेंगे मशीन को। अब यहाँ मिलाएंगे हम, ये देख लेंगे ये सुई का पॉइंट है, ये जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और सुई का जो गड्ढा है, ये गड्ढा में शर्ट के इत्ता पे आ जाए, ये बोल्ट के पास आ जाए। अब यहाँ पे छोड़ देंगे, हम स्क्रू से बोल्ट को टाइट कर लेंगे। बोल्ट को टाइट कर लीजिए, कर लिए बोल्ट का टाइट। अब हम देखेंगे सही सेटिंग हुआ है नहीं। थोड़ा आगे हो गई है, शटर थोड़ा पीछे होगा, ये हमारा शटल है थोड़ा पीछे होगा। अब इसको हल्का खोलेंगे और थोड़ा पीछे करेंगे, फिर इसको टाइट कर देंगे। फिर दूसरा नट भी हम इसी तरह टाइट कर देंगे, सब नट इसी तरह हम टाइट करते जाएंगे।
ये भी नट हम टाइट कर लेंगे, अच्छा से टाइट कर लेंगे कि फिर हमारा कभी घूमे ना। अब इसका प्लेट बैठा लेंगे। इसको अच्छा से टाइट कर लेंगे। ये हमारा टाइट हो गया। इसका दाब लगा लेंगे। ये शायद घूम गई है। अब इसका दाब लगा लेंगे। इसको अच्छा से हम टाइट कर लेंगे। अब नीचे के हिस्से में बॉबिन लगाएंगे। ये बॉबिन नीचे ऐसे लगा लेंगे। देखेंगे धागा आ रहा है या नहीं। ये धागा हमारा ऊपर आ रहा है। अब सिलाई करके देखेंगे कि हमारा सिलाई हो रही है या नहीं। ये हमने दो सिलाई मारे थे, ये दो भी सिलाई पकड़ा नहीं। अब मार के देखते हैं। देखिए हमारा सिलाई अब हो रही है। अब देख सकते हैं ये हमारा सिलाई हो रही है। थोड़ा सा नीचे का सिलाई टाइट हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको इसमें तेल डाल के देखेंगे, क्योंकि अभी हमने शटर को फिट किया है। सही सेटिंग हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा ये पॉइंट में इसके बीच में हम तेल डालेंगे, सुई के बीच में तेल डालेंगे। फिर सिलाई मार के देखेंगे। देखिए थोड़ा सा सिलाई हमारा ये सुधार हो रही है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का ये झाल है इसको टाइट करेंगे। अब सिलाई मारेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे टाइट किया था, यहाँ पे सिलाई अच्छी हो रही है। ये मैं सिंगल कपड़ा पे चलाया हूँ, इसके वजह से थोड़ा खींचा हुआ रहता है सिंगल कपड़े पे। अब डबल कपड़े पे मैं सिलाई मार के दिखा रहा हूँ। ये देखिए डबल कपड़े पे हमारा अच्छा सिलाई हो रही है हमारा। अब हम इसका टांका छोटा कर लेंगे। इसका टांका थोड़ा छोटा करेंगे। अब सिलाई मार के देखेंगे, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करेंगे। ये देखिए हमारा ऊपर का सिलाई है, ये हमारा ऊपर का सिलाई होगा। ऊपर का भी सिलाई अच्छा ही दे रही है, नीचे का भी सिलाई अच्छा दे रही है। अब ये थोड़ा सा टाइट ढीला रहे तो हम इसको टाइट ढीला करके नीचे का, नहीं तो अगर ये नीचे का ज़्यादा टाइट दे रही है
करते ये बैबिन खोलेंगे, ये पत्ती को थोड़ा ढीला करेंगे, थोड़ा ढीला करके देख लेंगे। हाँ ये हमारा अब ढीला हो रही है, फिर थोड़ा और ढीला कर लेंगे। अब देखिए अब हम सिलाई किनारी का लगा के दिखाएंगे, नहीं बीच का लगाएंगे। ये देखिए यह अब हमारा सिलाई अच्छी हो रही है, देख सकते हैं। ये देखिए बहुत फिनिशिंग हो रही है सिलाई, लेकिन इसमें एक ख़राबी हो रही है कि ऊपर का टाइट हो गई है, तो हम ऊपर के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे इसको। ये देख सकते, देखिए हमारा ऊपर का सिलाई भी अच्छा दे रही है और नीचे का सिलाई है हमारा। चलिए हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, दिल में आए तो कीजिए नहीं तो मत कीजिए। लेकिन हमारे वीडियो से आपको फ़ायदा हुए तो कुछ तो कमेंट करके बोलिए, या कोई भी सवाल है या कोई दूसरी जानकारी चाहिए सिलाई मशीन के बारे में, या धागा कट रही है या धागा टाँका नहीं आ रही है, या कोई भी ऐसा सवाल है, क्या कि मैं ये 5 साल से मशीन चलाया हूँ, कभी भी मिस्त्री के पास नहीं किया है, मैं खुद से बनाया हूँ, कोई भी पार्ट ख़राब हुआ तो मैं खुद से चेंज किया हूँ। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही।